ये भगवान बुद्ध का मूर्ति है। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग गया जिला घूमने के लिए आए और गया जिला के जो सबसे प्रसिद्ध होटल है बोधि रिस्ट्रीट होटल, उसमें हम लोग आए थे। और मैं चाहता हूँ इस दृश्य को दिखाते कैसा होटल है, होटल का व्यवस्था कैसा, तो चलिए हम आप लोग को दिखाते पूरा होटल का दृश्य। ये भगवान बुद्धा है, ये देखिए होटल दिख रहा है। और होटल के बाहरी एग्जिट पोल है जहाँ हम लोग एंट्री किए हैं। अंदर दिखाते होटल का पूरा सारे के सारे दृश्य। उधर में भगवान बुद्ध की मूर्ति देखिए, संबोधि रिट्रीट, होटल का नाम क्या है, संबोधि रिट्रीट। अंदर आप लेकर चलते हैं आप लोग को होटल अंदर से कैसा दिखता है। अभी हम सीढ़ी से उतर रहे हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को कैसा है। यहाँ पर वो लिखा, जब अशोक सम्राट जब बौद्ध धर्म को अपना रहा तो उस बौद्ध भिक्षु को जो मंत्र दी, मंत्र प्रभाव था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, सो दिखाएंगे आपको। ये भगवान बुद्ध का मूर्ति है। ये बौद्ध भिक्षु हुआ, यहाँ लिखा बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, यही मंत्र भगवान बुद्ध का है। बौद्ध धर्म को अपनाते वक्त अशोक सम्राट से भी बुलवाया गया था बौद्ध भिक्षु के द्वारा। होटल के इंचार्ज है ये। अब चलिए आप लोग को दिखाते होटल के बाहरी दृश्य, अंदर का ये होटल का कैंपस है। ये एक अंकल है, ये मेरे अंकल है, देखिए मुस्कान मार रहे हैं। कहाँ से है, कैसे अंकल? सीतामढ़ी जिला से अंकल, सबको थोड़ा देखते हैं। चलिए अब हम पूरा दिखाते हैं। ये देखिए होटल का इधर क्या है, स्विमिंग पूल, और इसको दिखाते हैं आप लोग को कितना दृश्य, मज़ा आ गया देखने में भाई। रात में आ, रात में मज़ा क्या आएगा, अब दिख रहे हैं आप लोग को भी दिखा रहा होटल का, ये होटल का पार्क है। इधर ये होटल का पार्क है, ये कितना स्मूथली बनाया गया, अच्छा ग्राउंड भी है, लोग इधर आके टहलता रहता है, खेलता भी है। उधर सामने वॉलीबॉल खेलने का सब कुछ दिया गया। इधर यहाँ गुफा बनाया गया जब भगवान बुद्ध इधर शिक्षा ग्रहण किए थे, साथ ही साथ कहाँ रहा करते तो सब दिखाया गया। उस दौरान लोग गुफा में रहा करता था। इसमें भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा होटल भाई, यहाँ खेलने के लिए है, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, यहाँ पर टेबल टेनिस के लिए है, अंदर में सुव्यवस्था। ये बुद्ध भगवान है, होटल कैंपस देखिए बहुत खतरनाक है।
देखिए बच्चे सो के खेलने के लिए पूरा व्यवस्था किया गया होटल में। क्या हाल है भैया? कैंटीन है उधर। ये स्विमिंग पूल है, इसमें अभी हम नहाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। थोड़ी देर बाद जब फ्रेश होने के लिए आएंगे तो इसी में नहाकर फ्रेश होंगे। पूरा कैंपस देखिए तो खतरनाक बनाया गया। ये होटल का दृश्य ये है, पूरा होटल कचकचाया हुआ है। अच्छा, बहुत महंगा होटल है, 5 स्टार होटल है। अभी हम लोग जो खाना खाने जाएंगे उसको भी दिखाएंगे कैसा खाना की व्यवस्था यहाँ पर, कॉफ़ी सारा चीज़ रूम। चलिए हम अपना अपना रूम दिखाते पहले। चलिए दिखाते हैं आपको हम लोग का जो रूम नंबर क्या, जो मुझे रूम मिला था 103 नंबर रूम नंबर। अंदर का दृश्य दिखाते हैं होटल का, कैसा है रूम। ये देखिए रूम है, सारी व्यवस्था, बेड है, बैठने के लिए सारा दिया गया, सोफ़ा सब है। उधर टीवी भी लगा हुआ। चलिए ऊपर का दिखाते हैं आप लोग को, ऊपर कैसा व्यवस्था। ये दूसरा बेड है ऊपर में, सामने मेरे भैया जो पढ़ रहे हैं साथ, उसको देखते हैं क्या पढ़े भैया। ओह चलिए, अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।